किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है। ये वीडियो, इस वीडियो में सबसे खास बात है छोटा ट्रैक्टर बड़ी थ्रेसर मशीन, यानी कि छोटा ट्रैक्टर है थ्रेसर मशीन के हिसाब से और थ्रेसर मशीन बड़ी है। और इस ट्रैक्टर से लगभग ये 10 साल लगातार इस थ्रेसर मशीन को चला जा रहा है। जैसा ट्रैक्टर मालिक ने बताया कि 2010 में इस मशीन को ले गए थे, 11 साल पुरानी थ्रेसर मशीन है और आज भी इसका मेंटेनेंस करके सही तरीके से इसे लगातार चला रहे हैं। काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है, पुराना ट्रैक्टर है और पुराना महिंद्रा के ट्रैक्टर की खास बात याद ये होती है, पुराना ट्रैक्टर होने के बावजूद भी उसका मेंटेनेंस कम रहता है और काम बहुत ज़्यादा करता है। तो पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको खेती संबंधी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले किसी भी थ्रेसर मशीन से पहले उसके ट्रैक्टर की ही बात की जाती है। तो ये है महिंद्रा V275 GI ट्रैक्टर, जो कि आपको 39 HP में मिल जाता है। 39 HP के साथ साथ ये 4 सिलेंडर में आता है, क्योंकि पुराना ट्रैक्टर है। और अगर मॉडल की बात करें तो किसान भाई, ये 1998 मॉडल, मतलब ट्रैक्टर की कंडीशन देख सकते हैं कितनी बुरी हुई पड़ी है, मतलब कितना पुराना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्टर चला हुआ है इस क्षेत्र का, एक किसान बता रहे थे 1998 मॉडल में ले आए थे और लगातार 12 साल से 10 साल से थ्रेसर मशीन चला रहे हैं। और थ्रेसर मशीन चलाने के बाद 100 बीघे ज़मीन को भी जोतते हैं, तो आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए यानी कि इस ट्रैक्टर से कितना ज़्यादा काम लिया जा रहा है। और ट्रैक्टर की जो टायर की जो बॉडी है, ये तीसरा टायर की जोड़ी इस ट्रैक्टर में डलवा दी गई है खेती के काम में ही। तो किसान भाइयों, जैसे कि 39 HP का ट्रैक्टर है और इसके साथ थ्रेसर मशीन चल रही है, तो सोनालिका की थ्रेसर मशीन है, बड़ी हड़म्बा मशीन है ये। और ये देखें भुस्सा, मैं ज़्यादा बारीक तो नहीं आपको कहूँगा, थोड़ा मोटा भुस्सा है, देख सकते हैं आप। ढेर भी ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा क्योंकि इसके RPM कम है तो पावर भी कम है। ये पीछे पावर के चक्कर आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास आप छोटा ट्रैक्टर है, 40 HP तक का ट्रैक्टर है, तो आप अपने ट्रैक्टर पर थ्रेसर मशीन ना चलाएं। अगर बड़ी थ्रेसर मशीन चला रहे हैं वो ना चलाएं, भले ही आप छोटी थ्रेसर मशीन चला लीजिए, वो सही रहेगी। बड़ी थ्रेसर मशीन में ये प्रॉब्लम होती है, भूसा आपका वहीं आएगा, आपको सफाई ज़्यादा करनी होगी, मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, ट्रैक्टर की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। तो ये सभी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ता है। और जैसे कि आप ट्रैक्टर की अगर बात करें तो रेस भी यहाँ पर बांध के रख रखी है, देखिए। RPM तो इसमें दिखाई नहीं रहा कितने RPM, कम से कम 1800 RPM पे चल ही रही होगी कम से कम ये। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आप पीछे चक्कर के साथ साथ अगर गेहूँ की बात करें तो अब गेहूँ की सफाई अगर झड़ना देख सकते हैं, गेहूँ के स्पीड झड़ने की काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। भाइयों, इसी के साथ आप देखिए यहाँ पर सोनालिका का ये लोगो लगा हुआ है, सोनालिका थ्रेसर मशीन है, झड़ने के इसमें 2 से 3 घंटे के लगे हुए हैं। और ये देखिए मेंटेनेंस कितना करवा रखा है, जो इसके ओरिजिनल बॉडी थी उसको हटाने के बाद ही अलग से इसमें वेल्डिंग करके दूसरी बॉडी लगाई गई है। और एक एक पुली को आराम से लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार आप इसमें ज़्यादा पुली लगाएंगे तो ये ट्रैक्टर लोड बनेगा और ट्रैक्टर भी बंद हो जाएगा, तो ये समस्या इस ट्रैक्टर में आपके हो सकती है। लेकिन लगातार सबसे खास बात यह है, 10 सालों से इस ट्रैक्टर पर ये थ्रेसर मशीन चलाई जा रही है और जैसे उन्होंने बताया कि आज तक ट्रैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बस हर साल ट्रैक्टर का मेंटेनेंस कराना पड़ता है थोड़ा बहुत, और बाकी थ्रेसर मशीन ओके है। जब 10 साल लगातार चला रहे हैं तो मशीन की पूरी जानकारी भी किसान को हो चुकी है, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए पूरे सीजन में लगभग ये 100 क्विंटल गेहूँ अपना इकट्ठा कर लेते हैं ट्रैक्टर वाले, और एक घंटे में इन्होंने एवरेज बताया कि 10-12 क्विंटल प्रति घंटे की एवरेज इसका है गेहूँ निकालने का। और ये देखिए 39 HP का ट्रैक्टर है, मात्र PTO पावर की बात करो तो कम से कम इसकी PTO पावर 32 HP या आपकी 35 HP PTO पावर इसकी होगी, वो मुझे करेक्ट नहीं पता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। कभी आप मुझे बोले कि सर इतने HP ऐसा नहीं है। और ये देख सकते हैं आप, बाकी मैं आपको भूसा दिखा देता हूँ कि कितनी अच्छी थ्रेसर मशीन चल रही है। और ये आप खुद ही देख सकते हैं गेहूँ का झंडा कितनी स्पीड से और सफाई गेहूँ की। और किसान भाइयों, ये वीडियो बस इतनी ही थी, आपको बताना था इस ट्रैक्टर के बारे में।
इतना पुराना होने के बाद किसान कितना काम इस ट्रैक्टर से कर रहा है। महिंद्रा ट्रैक्टर की सबसे खास बात यही होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके मैसेज के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।